उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर सिरहोग ग्राम पंचायत, जहां पर स्थित नगला तेजा के ग्रामीण बिना संसाधन के कोरोना से दो दो हाथ कर रहे हैं। ये ग्रामीणों की सजगता ही है कि गांव में अब तक कोरोना वायरस एंट्री नहीं कर पाया है। ग्रामीणों ने रहन सहन का तरीका बदल दिया और बाहरी लोगों की एंट्री एकदम बंद कर दी। बाहर रहने वाले स्वजन और रिश्तेदारों से कह दिया है कि गांव ना आना, नहीं तो कोरोना आ जाएगा। नगला तेजा की आबादी करीब 900 है, जिसमें काफी लोग दूसरे शहरों और राज्यों में रहकर नौकरी करते हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने फोन पर कह दिया है कि जब तक कोरोना का संक्रमण नहीं थमता तब तक गाँव ना आए। ग्रामीणों ने रिश्तेदारों से भी फोन पर यही अपील की है। मजबूरन कोई गांव आया भी तो उसे जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। गांव के आसपास शुद्ध वातावरण होने के कारण लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी पेड़ों से मिलती है। इसके लिए उनकी अंदरूनी ताकत भी काफी मजबूत होती है। वहीं गांव के बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिसके लिए लगातार पहले भी और वर्तमान प्रधान भी गाँव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि नगला तेजा कोरोना की दोनों लहरों में कोरोना मुक्त गांव है। मथुरा से सुरेश सैनी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और हम अपने गांव के बारे में कहें तो हमारे यहां बड़ी साफ सफाई है और वैसे भी कोरोना मुक्त सारे पाए गए हैं। और हमारे यहां के जो पहले पूर्व प्रधान थे देवेंद्र पहलवान, उन्होंने ये कह दिया है कि अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे संपर्क जो भी हमारे यहाँ आता है तो अपनी टेस्टिंग करा के आएँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, और आने से पहले आने जाने का बहुत ध्यान रखें, सख्त इस चीज़ का आदेश है। हमारे पूर्व प्रधान देवेंद्र पहलवान जी का ये कहना है। यहाँ तो भैया जानगरा में तो अभी तक कोई मिलियो ना है, निकला नहीं है पूरे को मरीज, यहाँ की अभी तक तो सही स्थिति है। यानी एक तरह से कहे तो ये गांव अभी तक कोरोना मुक्त है। हाँ, अभी कोई नहीं निकला है यहाँ, कोरोना कोई नहीं है यहाँ। बड़े स्वच्छ और साफ से लोग रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अदर लोगों को इस गाँव में नहीं आने देते हैं। क्या पहल की गई थी, किस तरह से यहाँ के बुजुर्गों के या यहाँ के जो बुजुर्ग लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, रामायण गीता का पाठ करते हैं, बड़ा विधान पूर्वक रहते हैं, सभी लोग स्वच्छ साफ रखते हैं, बाहरी लोगों से संपर्क कम बना के रखते हैं। बहुत बाहरी जो लोग हैं उनको उनसे कैसे आप बस बात है, उन लोगों को यहाँ आने नहीं देते हैं। बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों से फोन करके हाँ रिश्तेदार जाँच करा के